हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मूंग दाल की मसाला पूरी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है और इसे भिगो के रखा था और इसे अच्छे से धो भी लिया है। अब इसे एक मिक्सी जार में पीसेंगे। अब इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे और साथ में मिला के पीसेंगे। और यहाँ पर पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे और जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालेंगे और हल्दी पाउडर और कस्तूरी मेथी और स्वाद के अनुसार नमक देंगे। अब इसमें मैदा डालेंगे और जितना लगेगा मैदा उतना डालेंगे और एक साथ मिलाएंगे और इसका एक डो बनाएंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। जिस तरह पूड़ी के आटा लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। तो इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डो अच्छे से बन गया है। अब थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे और चिकना कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 5-10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। अब इसे थोड़ा सा मसाला देते हैं। अब इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोई बना लिया है और एक लोई को लेंगे और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें तेल डाल के बेलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से बेलना है। इसी तरह से बेलना है और एक और बेल के दिखा देती हूँ। और इसी तरह से सारी पूड़ी को बेल के रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल के रख लिया है और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया है गरम होने के लिए और तेल गरम भी हो गया है। अब इसमें पूड़ी को डालेंगे और इसे तल के निकालेंगे। तो हाई फ्लेम में तलना है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे दूसरे साइड पलट देंगे। और दोबारा से डालेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तो आप इसे घर में ज़रूर बनाइए दोस्तों, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से सारी पूड़ी को बना के रखेंगे। आप इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए